ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। खबर दुर्ग से। दुर्ग नया बस स्टैंड की अव्यवस्था को दुरुस्त करने और यात्रियों की सुविधाओं के लिए यातायात पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन विधायक गजेंद्र यादव और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग ने मंगलवार को किया। यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने और बस स्टैंड के आसपास अव्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से नया बस स्टैंड के सामने यातायात पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र बस स्टैंड को व्यवस्थित रखने के अलावा यात्रियों की दिक्कतों को भी दूर करने का प्रयास करेगी। मंगलवार को उद्घाटन अवसर पर पहुंचे विधायक गजेंद्र यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शहर यातायात की समस्या से जूझ रहा है और इसी समस्या को दूर करने यहां यातायात पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। वहीं SSP रामगोपाल गर्ग ने मौजूदा हालात को देखते हुए बस स्टैंड के सामने पुलिस सहायता केंद्र की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि केंद्र में यातायात व्यवस्था बनाने के अलावा यात्रियों की दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा। केंद्र, हम सबको मालूम है कि अभी भारी ट्रैफिक की समस्या से पूरा शहर जूझता है। कहीं कहीं लोग कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पे ट्रैफिक ऑफिस खोल रहे हैं, जिससे लोगों को कुछ सुगम होगी व्यवस्थाओं की, तो उसके लिए बनाया गया है। दुर्ग बस स्टैंड के पास यातायात ट्रैफिक बूथ जो है हमारा, उसका शुभारंभ किया गया है, जिससे कि मुझे उम्मीद है कि बस स्टैंड और उसके आसपास जो ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी रहती है, उससे निजात पाने में हमें सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ ये एक सहायता केंद्र का भी काम करेगा, जिससे कि जो यात्री हैं उनकी कोई समस्याएं रहती हैं उनको भी सुलझाया जा सके, और किसी की कोई वस्तु खोती है जहाँ एक पुलिस का एक तरह सेंटर पॉइंट यहाँ पर रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बस स्टैंड के आसपास ट्रैफिक की समस्या है उसको निजात पाने में मदद मिलेगी, साथ ही सुचारू रूप से ट्रैफिक चल सके, इसमें भी इस बूथ की अहम भूमिका है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।